एल्विस यादव के फैंस ने निकाली है अब तक की सबसे बड़ी रैली, और आपको बता दूं कि भाई इस पूरे रैली में सिर्फ और सिर्फ कार ही कार्स दिख रहे हैं, और इन लोगों का यही मानना है कि वाइल्ड कार्ड ही विनर है, और साथ ही साथ पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया है इन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाल कर। अगर कौन है और कहाँ से ये वीडियोज आ रही है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। अगर देखा जाए तो भाई इस समय जो लेवल प्यार और सपोर्ट एल्विस को मिल रहा है, ये दर्शाता है कि इतने समय तक उन्होंने कितनी मेहनत करके जो जेन्युइन फैन बेस कमाई है, आज वो फैन बेस इनको पे बैक कर रहा है, और ऐसा कि भाई हर कोई जो है एल्विस पर प्राउड हो रहा है इस समय, और हर किसी को कहीं ना कहीं ये यकीन हो चुका है कि इस बार बिग बॉस का इतिहास पलटेगा, इस बार बिग बॉस में जो भी चीजें इसके पहले हुई है वो पलटेंगी, और इस बार एक वाइल्ड कार्ड ही बिग बॉस का विनर बनेगा। इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, और साथ ही साथ ऐसा बताया भी जा रहा है कि भाई इस समय अगर वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए और अगर एल्विस नॉमिनेशंस में आ भी जाते हैं तो गारंटी के साथ उनके फैंस उनको सेव करेंगे ही करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और ये वीडियो जो है नोएडा से आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है कि थैंक यू नोएडा एंड अनिकेत यादव भाई टीम, लव यू भाई एल्विस यादव। ये आप देख सकते हो एल्विस आर्मी ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। पूरे रोड पे कार ही कार और शहर में चक्का जाम, मतलब ये दर्शाता है कि भाई एल्विस की फैन आर्मी कितनी बड़ी है। मैं आवाज़ इसमें प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा इस वजह से, आप जानते हैं, आप समझते हैं ये सारी चीज़ें भी। ये आप देख सकते हो भाई, मतलब इतना बड़ा मतलब मजमा लेकर जिस तरीके से एल्विस के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं, प्रभजोत का एक कॉन्सर्ट भी था उसमें भी लोग सिस्टम सिस्टम चिल्लाने लगे, तो कहीं ना कहीं इस समय फैंस का जो क्रेजी सपोर्ट है वो एल्विस के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ रहा है बिग बॉस के घर में। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।